उधर राजस्थान के सीकर में हुए राजू तेहत हत्याकांड में पुलिस की तफ्तीश लगातार जारी और कत्ल को सुलझाने के लिए पुलिस के हाथ रोजाना नए नए सबूत लग रहे हैं। अब पुलिस के हाथ एक वीडियो लगा है जो राजू ठेहट की हत्या वाली जगह से महज 100 मीटर दूर एक रेस्टोरेंट के बाहर का बताया गया, जिसमें पहले एक कार गुजरी, उसके बाद रेस्टोरेंट में बैठा एक लड़का बैग लेकर भागता दिखाई दिया। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद पहले लड़का अपने चारों तरफ रास्ता देखता है, फिर पास ही खड़ी अपनी मोटरसाइकिल से फरार हो जाता है। पुलिस के दावे पर यकीन करें तो वीडियो में भागते दिखा लड़का राजू ठेहट हत्याकांड का मास्टरमाइंड है और उसके इशारे पर ही राजू ठेहट की हत्या कर बदमाश हथियार हवा में फायरिंग करते हुए फरार हो गए थे। हालांकि पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। इस बीच हिमाचल में बहुमत का आंकड़ा पार करने के साथ ही कांग्रेस ने अपने विधायकों को टूटने से बचाने का प्लान भी तैयार कर लिया। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से खबर है कि जीते गए सभी विधायकों को चंडीगढ़ ले जाया जा सकता है ताकि किसी भी विधायक। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। की खरीद फरोख्त ना हो सके। सूत्रों की खबर है कि कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को जीत का सर्टिफिकेट मिलने के बाद चंडीगढ़ आने को कहा है, जहां एक बैठक के बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों का ये दावा भी है कि चंडीगढ़ के बाद सभी जीते हुए विधायकों को किसी दूसरे राज्य में भेजा जा सकता है। ये शिकारी बहुत बड़े हैं, ये जो बीजेपी वाले हैं ना, तो इनसे थोड़ा हमें ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है, लेकिन उसे डर है कि कहीं बीजेपी उसके विधायकों में सेंध न लगा दे। इसलिए सूत्रों का दावा है कि जीते हुए विधायक छत्तीसगढ़ या राजस्थान भेजे जा सकते हैं, जहां कांग्रेस की सरकारें हैं। इधर उत्तर प्रदेश की